हर पल को एंजॉय करो, हर दिन एक नई कहानी लिखो और उसको एंजॉय करो। सो दोस्तों, उमलिंगला जाना है, फोटो खिंचानी है, सोशल मीडिया पे डालनी है, मौज जाए मौज जा। कैसे जाएंगे मैं बताऊंगा, क्यों जाना है ये आप सोच लो। अगर आपको अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है क्योंकि आपने उमलिंगला के टॉप पे फोटो नहीं खिंचाई, तो ये वीडियो आपका सपना पूरा कर सकता है। तो चेकलिस्ट करनी है पूरी, चलो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपको कुछ अजीब सा लग रहा है मेरी बात करने का स्टाइल, तो शायद आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, और अगर पहली बार नहीं आए हो तो सही बताऊं कि मैं थोड़ा मसाले टाइप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ना सिर्फ मसाला ही बिकता है, ज़्यादा मसाला ही बिकता है। और आपको तो मेरे को पता ही है, मेरे से ज़्यादा मसाला लगाया नहीं जाता, और जब ट्राई भी करता हूँ तो आप लोग पकड़ लेते हो कि मैं थोड़ा सा ना बनावटी सा हो रहा हूँ। नहीं, पकड़ लिया ना आपने कि सर आप इतने बनावटी से क्यों हो रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। ऐसे ही ट्राई कर रहा था। उमलिंगला का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची रोड है वो, जहाँ पे आप बाइक से गाड़ी से जा सकते हो, हाईएस्ट। और सही बताऊँ तो अचीवमेंट और इन सब चीज़ों का हर किसी का मन करता है, कुछ पाने का, कुछ ऐसा अचीव करने का जो मतलब थोड़ा सा हट के है, हर किसी को पसंद है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अचीवमेंट तो ठीक है, पर उसके पीछे कुछ एक और स्टोरी होनी चाहिए आपके अंदर। इज़ नॉट जस्ट कि चलो ये अचीवमेंट है इसको कर लेते हैं, तो ठीक है कर लो, मतलब मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर स्टिल मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो। मैं आपको पता ही, अगर आप जानते हो मैं कितनी बार लद्दाख गया हूँ, और इतनी पास जाने के बाद भी मैं पिछली बार उमलिंगला नहीं जा पाया, तो मेरे को ऐसा खालीपन सा नहीं लगता है कि मैं उमलिंगला नहीं गया अभी तक। सब लोग कोई जा चुके हैं, जो पहली बार लद्दाख गए हैं वो भी उमलिंगला जा चुके हैं, आप क्यों नहीं गए हो, मेरे को कभी ऐसा लगता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब आप मेरी तरह हो जाओ या मेरा तरीके ही सही है, पर कुछ एक सोच होनी चाहिए। मतलब जस्ट कोई चीज़ अचीव करना है आपको तो उसके पीछे कुछ और भी सोच होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि चलो इसे कर लेते हैं, चलो हाँ ये कुछ अचीवमेंट है। ऐसे थोड़ा ज्ञान देने का, आपको पता है मेरा मन करता है तो मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। जाओगे तो आप हुई और मैं हेल्प करूँगा। उमलिंगला का कोई अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगता है परमिट पे, वो हानलेगा परमिट ही होता है, वहीं से लोग चले जाते हैं। पहले मैंने इसका वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि पहले अलाउड नहीं था, और इनफैक्ट अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे जहाँ पे मैं था, उस बाइक बाइक पे गया था मैं हानले, वहाँ पे एक्चुअल में बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे साफ 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 लिखा था कि आपका ILP परमिट यहीं तक है, इसके आगे नहीं है, और बोर्ड था वहाँ पे। अब वो हट गया, पहले वो था, आप देख सकते हो। गाइज, अगर आप मेरे को सुन सकते हैं तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है फोर्टिला और उमलिंगला को लेके, तो ये बोर्ड देख लीजिए। ये वो रोड है जो फोर्टिला जाती है हानले से, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एडवाइजरी फॉर टूरिस्ट। मैं पढ़ लेता हूँ। योर इनर लाइन परमिट टर्मिनेट्स ILP हेयर, प्लीज़ डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। Any violation of this advisory will be considered as trespassing, calling for severe disciplinary action. Army authority and TC ले। I hope ये काफ़ी clear है कि ये क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे है। अब आपको clear हो गया होगा। फोर्टिला वो रहा बोर्ड और ये रहा हानले। ओके, क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर, लेट्स गो। तो और प्लस इतने सारे लोग जा चुके हैं, अब तो हर कोई जा चुका है, कोई मना ही नहीं है, कोई नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ऑफिशियली अनऑफिशियली खुल गया है तो आप जा सकते हो। तो इसीलिए मैं ये अब वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने अभी तक ये इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को लगता था कि ये सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट है। सो उमलिंगला जाने के बेसिकली कुछ रस्ते हैं जो मैं आपसे अब डिटेल में डिस्कस करता हूँ, कुछ नए स्टाइल में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया उसमें, एंड थोड़ा रोड कंडीशंस के बारे में भी बताऊँगा, और कौन सा रास्ता कैसा है उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। सो नए चलते हैं, नए अवतार में, नए स्टाइल में आपको समझाने के लिए। सो दोस्तों, उमलिंगला जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली तीन रास्ते हैं मेनली। उन तीन में से भी जो दो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक 90% वो यूज़ होता है। और चलो मैं बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। सो ये आपका मनाली वाले रास्ते से आप आ रहे हो यहाँ से, ठीक है, मनाली वाले रास्ते से, और पहले आपका माही ब्रिज आता है यहाँ पे, माही ब्रिज से आप आते हो न्योमा, ये माही ब्रिज, और इधर आप आ रहे हो आपका कहाँ से आ रहे हो, पांग से होते हुए, मोरे प्लेन से होते हुए, डेबरिंग से होते हुए, टसोकर से होते हुए, आप सुंडो होते हुए यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका मोरे प्लेन्स। सो मैप की चिंता मत करना, मैप मैं अपने इसका अपडेट वर्जन मेरी वेबसाइट falconridersindia.com पे आ जाएगा, ठीक है। सो न्योमा से आप आते हो लोमा बेंड, यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, ठीक है। अब लोमा बेंड से आप आते हो हानले, ठीक है। सो आप मानो यहाँ से आप आ गए हानले, ठीक है। अब हानले से मानो ये आपका उमलिंगला है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे उमलिंगला है, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आने के मेजरली तीन रास्ते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा फोटिला वाला रास्ता, वो हानले से, जैसे आप हानले शहर पहुँचने वाले होते हो बिल्कुल जस्ट पहले ही आपको दिख जाएगा आपका चुमूर आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक रास्ता है जो आपका जाता है इधर से और फोटिला होते हुए क्रॉस करते हुए, मानो यहाँ पे फोटिला है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक जगह आके मिलेगा, उस जगह का नाम है चिशुमले, ठीक है। फिर वहां से आपको राइट लेना है और थोड़ा सा आगे जाके फिर ये उमलिंगला ऐसे रास्ता चला जाता है, ठीक है। ये हानले से जस्ट पहले है, मतलब जब आप हानले पहुंच जाओगे उससे जस्ट पहले अगर इधर से आ रहे हो आप तो लेफ्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक और रास्ता है वो आपका हानले का यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, जैसे आप हानले जाओगे बहुत बड़ा तो है नहीं, आपको ऑब्जर्वेटरी दिख जाएगा। जब आप ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाते हो तो उसी से आगे वो नीचे रास्ता उतरता है और ऐसे घूम के यहाँ से होता हुआ यहाँ पे एक जगह आती है नरबुला, ठीक है, नरबुला। और नरबुला से आप ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आके मिल जाते हो और फिर यहाँ से आप उमलिंगला चले जाते हो, ठीक है। सो एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। अब जो एक और रास्ता है जो बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि बहुत ही ख़राब रास्ता है और बहुत ही नोमैडिक है और मतलब सुपर ख़राब है उसमें, और ख़राब वाला जो पार्ट है वो है भी बहुत ज़्यादा, वो लोमा बेंड से जस्ट जैसे आप ये लोमा बेंड क्रॉस करते हो, यहाँ पानी का ब्रिज आता है रिवर का ब्रिज, वो क्रॉस करते ही जैसे आप आगे जाओगे एक लेफ्ट की तरफ रोड जा रही है, वो आपका ऐसे जाते हुए कोयूल एक जगह आती है, कोयूल, ठीक है। और कोयूल से वो ऐसे सीधे आके यहाँ पे मिल जाती है और फिर यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो। सो ये तीसरा रास्ता है। सो बेसिकली पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। अब अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा रोड कंडीशंस की बात करूँ तो ये जो रोड है ये पूरा ख़राब है, ठीक है, ये पूरा ख़राब है। उसको अगर आप ख़ास तौर से सोलो हो या फिर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आपको बस टू मच नहीं करना है, टू मच वाले लेवल पर नहीं जाना है, सो आप इसको अवॉइड कर सकते हो इस वाले रास्ते को। एंड ज़्यादातर मैंने देखा इस बार कि लोग ना जब मैं गया था कि नरबुला वाले रास्ते से जा रहे हैं ऊपर ऐसे इस वाले रास्ते से और वापस आते हुए फोटिला वाले रास्ते से आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो ये एरिया है फोटिला वाला, यहाँ पे ना काम चल रहा है तो यहाँ पे क्या है कि उतारना आसान है, कुछ लोगों का कहना है ख़राब रास्ते पे, तो आप जाओ यहाँ से तो उतारना आसान है तो उतर जाओ, चढ़ाई करते समय थोड़ा मुश्किल है तो वो इसलिए यहाँ से जाते हैं। पर कुछ लोगों का कहना उल्टा है कि चढ़ाई आसान है उतरना मुश्किल है तो आप इधर से जाओ और इधर से आओ, या फिर कुछ लोग सिर्फ इधर से ही जा रहे हैं और इधर से ही आ रहे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। और रोड आपको बैड पैचेस सबसे सब जगह ही मिलेंगे, ये रोड यहाँ पे ये पूरी सही है, ये पूरी रोड बढ़िया है। यहाँ पे कुछ पैचेस यहाँ पे इस एरिया में और आपको यहाँ वाले एरिया में ख़राब मिलेंगे। सो पर मतलब नथिंग टू बी, ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच सब जगह से जाओगे, फाइट सब जगह होगी आपको। सो या सो एक दो तीन कुछ रास्ते और हैं। एक रास्ता जो मैंने देखा था कि वो यहाँ से बीच में से भी कहीं एक और रास्ता है जो आके यहाँ मिल जाता है, आई डोंट नो, पर मेजरली ये तीन रास्ते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हो तो माही ब्रिज वो रास्ता है जो आपका इधर से लेह से आता है, लेह से जब आप आते हो आपका चांगथांग होते हुए और वाला जो रास्ता है जिससे मैं आया भी था यहाँ पे, माही ब्रिज आते हो, और फिर ये वाला रास्ता है जो सोमोरी और डेबरिंग और मोरे प्लेन से जब आप आते हो यहाँ पे। ऑब्वियसली ये सारा मैप्स मेरी वेबसाइट फैल्कन राइडर्स इंडिया पे भी है, बाकी डिटेल मैप पूरे लद्दाख का, तो आप समझ जाओगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये पूरा जर्नी यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ
आना जाना वापस करीबन 5 या 6 घंटे लग जाते हैं आराम से, 5 to 6 hours। ठीक है, सुबह जल्दी निकलो, हानले में रुको रात को, सुबह अपना समझ लो 5:30-6 बजे निकल जाओ यहाँ से, तो आप 11-12 बजे तक आप अपना ये करके वापस हानले आ सकते हो। ठीक है, सो हानले में बाकी मैं क्यों नहीं जा पाया उमलिंगला, मैं यहाँ तक गया था, आप मेरा वीडियो चाहो तो वो देख सकते हो, वो सब उसमें है कि मैं क्यों नहीं जा पाया, मैं क्यों नहीं गया, मैं यहाँ जाते हुए भी क्यों नहीं जा पाया, वो सब चीज़ें हैं, पर स्टिल मेरे लिस्ट पे है। और या सो ये जो पूरा है ये आपका उमलिंगला जिलो अपनी जिंदगी। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़े नए स्टाइल से मैं आपको पेपर पे बता रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा क्लैरिटी का इशू रहता है, तो मेरे को लगा कि ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि जहां पे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं पूरा। ठीक है, बाकी चलते हैं मेन कैमरे पे। और हानले से अगर जब भी आप ये कर रहे हो, जब भी आप हानले में रुको, लेट मत करना सुबह जब निकलो, मेक श्योर रात को पार्टी वार्टी जो भी करनी है ऐसी करना कि भैया सुबह उठ जाओ और अपना 6 बजे 6:30 निकल जाओ। इनफैक्ट अगर 5:30 बजे निकल सकते हो तो निकल जाओ, तैयारी वारी करके रखो और निकल जाओ। ठीक है, अपना 11 बजे तक 12 बजे तक आप वापस आ जाओगे। अगर आपको वापस आके भी हानले में रुकना है सो वेल एंड गुड, अपना हानले में रुको, और वहाँ से अगर आपको फिर वापसी की तरफ करना है, सोमोरी आना है या जहाँ भी जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, पर सुबह जल्दी निकलना इज़ द की, लेट मत करना। मौसम भी ऊपर बदल जाता है, अक्सर मौसम बदल जाता है, और इट्स गुड, सुबह जाओगे फोटोग्राफी भी अच्छी होती है जब सन निकल रहा होता है, यू विल गेट गुड शॉट्स, यू विल एंजॉय, दिन में तो पूरी दोपहर होती है, मतलब गर्मी एकदम सनलाइट। सो आई से मेक श्योर कि आप सुबह निकलो अगर उमलिंगला आपको बढ़िया से इन्जॉय करना है तो, और ज़्यादा देर ऊपर मत रुकना। बार बार बोलता हूँ कि ऊपर जाके ये नहीं घंटों लगा दिए ऊपर उमलिंगला में, अपना जाओ फोटोज खींचो वीडियो बनाओ जो भी करना है, कोई डिस्कशंस नहीं, वहाँ बैठे डिस्कशंस कर रहे हो, घूम घाम के नीचे आके हानले में वापस बैठ के डिस्कशंस कर लेना जो भी है, पर ऊपर ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, इट्स टू हाई, बहुत एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन का शायद आपको उस टाइम पे मूवमेंट पे एहसास ना हो, पर वो धीरे धीरे किक इन करता है और फिर आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। ठीक है, सो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकना है। और सही बताऊँ तो उमलिंगला, जैसे आज उमलिंगला हो रखा है, एक टाइम पे खरदुंगला ऐसा होता था, खरदुंगला जब मैं सबसे पहली बार गया था 2009 में, खरदुंगला वॉज लाइक जैसे आज की डेट में उमलिंगला है, खरदुंगला जाना है, खरदुंगला। सो ये नाम सब बदलते रहते हैं, सब चीज़ें बदलती रहती हैं, आज कल खरदुंगला था, फिर उमलिंगला है, फिर कुछ और हो जाएगा, इन्जॉय द जर्नी, हर पल को इन्जॉय करो, नॉट जस्ट कि एक लैंडमार्क या एक उसको मत इन्जॉय करो, एक पॉइंट को कि यहाँ पे एक फ़न है, वो पूरा रास्ता इस फन, आज ये है कल कोई और होगा। और टारगेट्स बनाओ, ऐसा नहीं है टारगेट्स नहीं होने चाहिए, कि आपके टारगेट्स होने चाहिए, पर किसी और के टारगेट्स आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए, अपने टारगेट्स को इन्जॉय करो, हर पल को इन्जॉय करो, हर दिन एक नई कहानी लिखो और उसको इन्जॉय करो, और उस कहानी में आप हीरो हो, अपनी कहानी का हीरो कौन, आप खुद। लव यू ऑल, हैव फन, एंजॉय, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।